हाँ जी गुड। देखिए ये क्वेश्चन ट्राई करें, इफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू 3 + √5, 3 + √5 देन वैल्यू ऑफ x^4, देन वैल्यू ऑफ x^4 -12x³ + 44x² - 48x + 17 इज इक्वल टू वन। ठीक है जी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट। इफ एक्स इज इक्वल टू 3 + √5 देन द वैल्यू ऑफ x^4 - 12x³ + 44x² - 48x + 17 इज इक्वल टू वन। ट्राई दिस क्वेश्चन जी, ट्राई करें इस क्वेश्चन को। देखिए कि x इज इक्वल टू 3 + √5 को ऐसे ही रहने देते हैं, x - 3 = √5 करते हैं। यहां तक बात समझ में आई? अब हम इसे क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, √5 5 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ देखिए x² - 6x + 9 ऐसा बन जाएगा। तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी x² + 6 = 0। ऐसा एक हमारी वैल्यू मिल गई कि x² - 6x + 4, ये जिसकी वैल्यू हमारी 0। अब क्यों नहीं इससे हमें डिवाइड कर दें और कोसेंट, जो डिविजन रिजल्ट को डिविडेंड इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखें। ठीक है जी, यानी px क्या हो जाएगा, qx यहाँ पे देखे, qx इधर हो जाएगा rx और यहाँ पे gx इस फॉर्म में लिख दे। और gx की वैल्यू हमारी क्या है, gx इक्वल टू क्या है, ये है x² - 6x + 4। बात समझ में आई जी? तो हम इसे डिवाइड कर रहे हैं x^4 - 12x³ + 44x³ - 48x + 17 को हमने डिवाइड किया। हाँ जी बोलिए, किसी को दिक्कत है इसमें? सर यहाँ स्क्वायर हमने अपनी मर्जी से किया है सर, नहीं बहुत सर। हाँ जी, हमने दोनों साइड अपनी मर्जी से किया क्योंकि देखो यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे लिए क्या है, दिक्कत है कि नहीं, एक्स का क्यूब करेंगे, ये √5 हमेशा हमें परेशान करेगा कि नहीं करेगा ना। तो क्यों नहीं हम ऐसा कर दे, अब इसकी वैल्यू हमें पता है इससे डिवाइड कर देंगे तो x^4। ठीक है जी, तो हमने ऐसे कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पे पावर क्या है, 4 है, यहाँ पे क्या x² है, x² से हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x^4 - 6x³ + ये 4 है तो 24x² माइनस करें यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, -6x³ हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20x² - 48x। ठीक है, फिर हम देखिए यहाँ पे -6, यहाँ पे x² है, यहाँ पे -6 है तो हम -6 से अगर मल्टीप्लाई कर दें या प्लस। हाँ जी बोलो सर, यहाँ 4x² आएगा सर, 24x² कैसे आएगा? अच्छा सॉरी, ये 4x² आएगा। ठीक है, 4x² हो जाएगा तो नीचे में 6x नहीं आएगा, 40x² हो जाएगा -48। यहाँ तक कोई दिक्कत है जी? नो सर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे देखिए x² है या -6x² है तो हम -6x² से यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर दें। ठीक है, -6x से तो क्या हो जाएगा -6x³ - 6x². ठीक है, अब फिर क्या हो जाएगा -24x, यहाँ पे क्या हो जाएगा -24x। अब इसे हम माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा जी,
क्या बचेगा? वन सर। कहाँ वन बचेगा सर? लास्ट में सर, सर 17 का सर रिमाइंडर बना रहा है। यस सर। ओके वी विल सी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x2, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा -28x+70। अब देखिए सर 24 आएगा, 24 आएगा सर। अच्छा जी, अच्छा भी आएगा 24x। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी, यहाँ पे 4 है x square है, यहाँ x square है, तो प्लस 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस 4x² माइनस 24x प्लस 16 माइनस करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बच क्या गया जी 1। यानी आएगा सर क्या रिमाइंडर आ गया। हाँ जी, इसको हम x का पावर 4 माइनस 12x³ प्लस 44x² माइनस 48x प्लस 17 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, माइनस 6x में है जी यहाँ पे, ये देखिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 ऐसे लिख सकते हैं एंड प्लस 1। ठीक है जी, अब ये वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 1। ये वैल्यू हमारी क्या हो गई 1। बात समझ में आई जी? Yes, sir. हाँ जी बोलो। ये 0 कैसे होगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 की वैल्यू है हमारी, यहाँ पे क्या आई है 0। ठीक है, ठीक है जी, तो ऐसे करने पड़ेंगे। कोई दिक्कत है जी इसमें सर? आगे करना, नेक्स्ट पेज करना एक बार सर, डाउट है। हाँ जी बोलिए, क्या डाउट है यहाँ पे सर? ये तुमने 2 कैसे कर दिया सर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू कहाँ है सर? आ गया समझ, आ गया सर। ये सर कोशेंट प्लस रिमाइंडर है सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर, बैक कर दो। हो गया जी, आगे बढ़े सर, एक मिनट। ठीक है, अब नोट करके कुछ लिखें। ठीक है, नोट करके लिखें यहाँ पे। क्या सर? नोट कर लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है कि इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज जीरो, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट जीरो, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज जीरो मीन्स पी अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो means C by A is equal to 0, means यहाँ से क्या पता चला कि C is equal to 0 and A, ठीक है, C is equal to 0 हो जाएगा जी, क्योंकि A तो 0 हो नहीं सकता, quadratic equation and AX, quadratic equation AX square BX plus C is equal to 0 become, क्या हो जाएगा जी, AX square plus BX इक्वल टू जीरो, ऐसा हो जाएगा जी। हेलो, बात समझ में? हाँ जी बोलो सर। आ गया, थैंक यू सर। यस सर।
अगर एग्जैक्टली मान लिए कि दो रूट गिवन है, बोला जा रहा है कि एक रूट जीरो है, तो अदर रूट क्या होगा? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जीरो हो जाएगा ना। अगर बोला जाए प्रोडक्ट ऑफ रूट इज जीरो, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो, मीन्स सी इज इक्वल टू जीरो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा जी? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस। नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, इफ बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर जीरो, आर जीरो, देन सम ऑफ इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, देन सम ऑफ सम एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ रूट भी जीरो होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट भी जीरो होगा, यानी क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई जी? B is equal to C is equal to zero हो जाएगा, and and the quadratic equation become x square is equal to zero। बात समझ में आएगी? सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा जब दोनों रूट होंगे, यानी b by a equal to zero, इससे क्या पता चला कि b equal to zero, ठीक है? And product of roots भी zero हो जाएगा क्योंकि दोनों roots zero है, यानी इससे क्या हो जाएगा? c by a equal to zero, means c equal to zero, यानी b and c both क्या हो जाएंगे? zero हो जाएंगे। बात समझ में आई जी? बात समझ में आई? Yes sir। Next point है। Yes sir। कि if one root is infinity, चेक कर दो सर। वो पहले नोट सर को लिख दो सर, फिर पीछे कर दो सर, पहले आगे करो लिखा दो ना सर। नोट हो गया जी? यस सर। सर हम तो साथ साथ ही कर देते हैं। यस सर। गुड जी। ये देखो, इफ वन रूट इज इंफिनिटी, वन रूट इज इंफिनिटी, अगर कहीं बोला जा रहा है कि if one root is infinity, then put x is equal to 1 by y, क्या put करेंगे? Put x is equal to 1 by y in what? 1 by y in ax square bx plus c is equal to 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमें क्या मिल जाएगा जी? cy square plus by plus a is equal to 0, must have one root zero। अब यहाँ पे एक रूट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी p, यानी इसको बोला जाए कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, डेट इज a by c इक्वल टू जीरो, ठीक है? मीन्स a इक्वल टू जीरो। सर इसमें सम जीरो क्यों नहीं होगा सर? अजी देखो, जब एक रूट सम करेंगे तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? एक रूट टू है, दूसरा रूट इंफिनिटी है, तो सम क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा कि नहीं? क्या सर? अगर एक रूट इंफिनिटी है एंड अदर रूट टू है, तो टू प्लस इंफिनिटी क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा ना? यस सर। हाँ जी, तो हमने क्या किया कि अगर एक के जगह पे वन बाई वाई पुट कर देंगे, अगर एक इन्फिनिटी को जा रहा, यानी वाई किसको अप्रोच करेगा? जीरो को पकड़ेगा। किसको करेगा? जीरो को, यानी एक रूट उसका क्या हो गया? जीरो हो गया, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया? जीरो हो गया, यानी ए इक्वल टू क्या हो? जीरो। सर हाँ जी बोलो। सर सी की जगह पे एक है। हाँ जी, मैंने क्या यहाँ पे बोल लिखा हूँ जी कि पुट x इज इक्वल टू 1 बाई वाई, x के जगह पे 1 बाई वाई पुट करो, क्या हो जाएगा? 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई बी, बी बाई वाई प्लस सी, वाई से वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, वही चीज यहाँ पे लिख दिया। देखो यहाँ पे a अपॉन 1 बाई वाई का स्क्वायर प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो,
तो क्या हो जाएगा a बाई वाई स्क्वायर प्लस बी बाई वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी a प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। बात समझ में आई? हमने ये क्या पुट किया है x इक्वल टू वन बाई वाई। हेलो सर। हाँ जी बोलो सर। यस सर। एक मिनट सर। हाँ जी बोलिए सर। लोड करना है, पीछे कर दो। क्या नाम है जी आपका? सर सौरभ। सौरभ, मैं तो पीडीएफ सेंड करता हूँ यार, वहां से देख लिया करें। बस स्क्रीनशॉट देना सर, एक मिनट। उससे हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, आप ही समझो। सर हो गया, मैं तो पीडीएफ सेंड ही कर देता हूँ ना। ओके सर। यस सर। अब देखिए ये प्रॉपर्टी समझ में आई जी, या ये जो हमने लिखा क्या हो जाएगा कि माइनस बी बाई रूट माइनस बी बाई ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी बी कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन है, कभी कभी रेयरली इससे बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ये अप्रोच अप्लाई होगा। यानी अब देखिए ये हम यहाँ पे क्या मिला कि ए हमारा जीरो हो गया, ए जीरो हो गया तो हमारा इक्वेशन कैसा बन गया, देखिए ये जीरो हो गया यानी इक्वेशन क्या होगा, बी एक्स प्लस सी लीनियर देन ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन बिकम्स बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यानी हमारे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी बी एक्स प्लस सी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो सर, एक बार दोबारा से रिपीट करना। देखिए इफ वन रूट इज इन्फिनिटी, वन रूट क्या है हमारा, इन्फिनिटी है, तो जब भी वन रूट इन्फिनिटी की बात आएगी तो हम वहां पे क्या पुट करेंगे, एक्स को वन बाई वाई से रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, वन बाई वाई से रिप्लेस करेंगे एक्स को, तो वन बाई वाई से रिप्लेस करेंगे तो हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा, ए प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। अब देखिए ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि वी गेट सी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए इक्वल टू जीरो, मस्ट हैव वन रेट जीरो। अब इसका मतलब क्या होगा कि वन रूट इसका जीरो हो गया, यानी एक्स जब इन्फिनिटी को जाएगा, एक्स इन्फिनिटी को यानी मीन्स वाई अप्रोच करेगा जीरो को, वाई किसको करेगा जीरो को, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। वन रूट जीरो मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट जीरो हो जाएगा, इससे हमारा क्या हो जाएगा ए बाई सी, ठीक है, ये हमें जीरो मिल जाएगा। देखिए a बाई सी हो जाएगा, सी बाई ए के जगह पे a बाई सी होगा, यानी a को हमें क्या होना चाहिए जीरो। जब a जीरो हो जाएगा तो ओरिजिनल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, बी एक्स प्लस सी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ना जी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। यस सर। ठीक है जी। यस सर। नेक्स्ट देखें जी, फोर्थ पॉइंट है, व्हेन बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाँ जी, ये चीजें एनसीईआरटी में है? नहीं भैया, एनसीईआरटी में तो कभी ये ओवर हो गया। कभी का ओवर हो गया? हाँ जी ठीक है जी। इफ देखिए, व्हेन बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इनफिनिटी देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए इक्वल टू जीरो मस्ट हैव बोथ रूट जीरो। Both roots zero. ठीक है, यानी माइनस बी बाई सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो।
एंड ए बाय थ्री बी जीरो यानी सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी बी इक्वल टू बी जीरो होना चाहिए और ए इक्वल टू बी जीरो होना चाहिए, ठीक है, एंड सी नॉट इक्वल टू जीरो। इन केस द इक्वेशन बिकम्स y is equal to c, y is equal to क्या हो जाएगा, c हो जाएगा जी, यानी एक हमें x एक्सिस के पैरेलल लाइन मिलेगी। तो एक क्वेश्चन करते हैं एज फॉर एग्जाम्पल, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है कि इफ इफ 2p माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस वन इंटू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। पी माइनस वन है, हाँ जी पी माइनस वन, पी देखिए 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस वन इंटू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो है जी, बोथ रूट्स इन्फिनिटी पी एंड क्यू देन फाइंड सर कैसे जीरो हो जाएगा जी भाई, इन्फिनिटी के है सर ये तो, हमने अभी क्या पढ़ाया था जी इन्फिनिटी पे सर जीरो, अभी हमने क्या पढ़ाया, व्हेन बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इनफिनिटी देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन dy स्क्वायर प्लस dy प्लस a इज इक्वल टू जीरो मस्ट हैव बोथ रूट्स जीरो, यानी दोनों रूट्स तो जीरो हो जाएंगे, यानी सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जीरो हो जाएंगे, यानी b इज इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा, a इज इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा। तो आपने ये अप्लाई किया क्या, सम ऑफ रूट्स जीरो किया एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जीरो किया, सर पी की वैल्यू जीरो है क्या, वन है क्या, हाँ पी की वैल्यू वन आ गया, और क्यू की वैल्यू माइनस टू है क्या, क्यू की वैल्यू तो टू है, यस सर टू है, देखिए जी कैसे करेंगे सर, वन और टू वैल्यू है सर पीक्यू की, हाँ जी हाँ जी, इक्वेशन हमारा कैसा दिया गया, ये 2p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस वन इंटू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, बोथ रूट्स जीरो हैं, बोथ रूट्स आर इनफिनिटी, सर हम 2p माइनस क्यू को इक्वल टू जीरो रख लेंगे ना, देन put x is equal to 1 by y, 1 by y put करेंगे तो क्या हो जाएगा 2p minus q into 1 by y square plus p minus 1 upon 1 by y plus 5 is equal to 0, ये देखे 2p minus q plus p minus 1 into y plus 5y square is equal to 0, अब this equation both roots will be zero, both roots इसके क्या हो जाएंगे, both roots क्या हो जाएंगे zero हो जाएंगे, means sum of roots will be zero and product of roots also zero, ठीक है जी, the sum of roots यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए b by a यही ना, तो minus b by a माइनस बी यानी पी माइनस वन बाई फाइव इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा जी, तो इससे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी पी इज इक्वल टू वन आ जाएगी, ठीक है जी पी इज इक्वल टू वन हो जाएगा, एंड यहाँ पे देखिए सी बाई ए
यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा जी, सी बाई एन, टू पी माइनस वन अपॉन फाइव इक्वल टू जीरो, ऐसा हो जाएगा जी, टू पी माइनस क्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो, यानी टू पी इक्वल टू क्यू, और क्यू इक्वल टू टू इंटू वन यानी टू हो जाएगा। बात समझ में आई जी? हाँ जी, बात समझ में आई। तो p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है जी। हाँ जी जसन, क्या आपको दिक्कत है जी? हेलो जसन, क्या दिक्कत है? हाँ जी, क्या हो गया? हाँ जी बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी सर। हाँ जी, अगर हम डायरेक्ट पी माइनस वन को इक्वल टू जीरो रख देते तो वो आ जाता सर? नहीं आता, क्योंकि वो जीरो नहीं हो रहा है। हमारा ये इक्वेशन के दो रूट्स इनफिनिटी हैं, इसके रूट्स इनफिनिटी हैं, तो हमें पुट एक्स इक्वल टू वन बाई वाई पुट करना होगा तब जाके। जैसे सर, जैसे यहाँ पे टू पी माइनस क्यू है, हाँ जी सर, वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। हाँ, वो तो हमारा जीरो है ना? हाँ जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। तो फिर हम इसको जीरो के इक्वल रख सकते हैं ना? तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए, तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स इनफिनिटी होगा ना इसके अकॉर्डिंग। जब दोनों रूट्स इनफिनिटी है तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, इनफिनिटी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनफिनिटी। तो हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे उसे, आप बताए सॉल्व होगा वो? नहीं हो पाएगा। हम वन बाई एक्स पुट, एक्स इक्वल टू वन बाई वाई पुट करेंगे, ठीक है। जब भी रूट्स इनफिनिटी होगा तो वह एक्स इक्वल टू वन बाई वाई पुट करेंगे, फिर उसे हम सॉल्व करेंगे, फिर रूट्स को एक जीरो करेंगे, प्रोडक्ट का रूट जीरो करेंगे। वन रूट रहता तो प्रोडक्ट का रूट जीरो होता है, दो रूट होता सम एंड प्रोडक्ट दोनों जीरो हो जाएंगे। देखिए एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक है, कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, यही अभी हमने पढ़े हैं ना, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ मोर देन टू रूट्स, ठीक है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोर देन टू रूट्स तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोर देन टू रूट्स, मोर देन टू रूट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। सर हाँ जी सर, एक ऐसा टॉपिक होगा जिससे हमें इक्वेशन देखते ही पता चल जाता है कि इसके रूट्स क्या होंगे। ये तो बता रहा हूँ ना, ये देखिए इसके दो रूट्स होंगे। अगर उसमें बोला जाए, क्वेश्चन में बोला जाए कि मोर देन टू रूट्स हैं या टू रूट्स हैं, ठीक है, जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन टू रूट्स, तब तक हम ये अप्लाई नहीं करेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। देखिए यहाँ पे एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन any quadratic equation ax square bx plus c is equal to 0 has more than two roots, then it becomes an identity. Then it becomes an identity. ठीक है जी, identity. If a
इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हैज मोर देन टू रूट्स देन ए इज इक्वल टू जीरो बी इज इक्वल टू जीरो एंड सी इज इक्वल टू जीरो। देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी जीरो होगा, बी इज इक्वल टू बी जीरो होगा एंड सी इज इक्वल टू बी जीरो। ठीक है, द अबव कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है हमने जो अप्लाई किया, ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो एंड सी इज इक्वल टू जीरो, द अबव कंसेप्ट हमें अप्लाई करना पड़ेगा जी। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में ही, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो है मोर देन टू रूट्स देन इट बिकम्स एन आइडेंटिटी इफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो हैज मोर देन टू रूट्स देन ए इज इक्वल टू जीरो बी इज इक्वल टू जीरो एंड सी इज इक्वल टू जीरो कर देंगे जी। कोई दिक्कत है जी इसमें, किसी को दिक्कत है? एक क्वेश्चन से समझते हैं जी। सर हाँ जी, कोई ट्रिक होती है रूट्स को जज करने के लिए? हाँ जी, जज करने के लिए है ना, डी निकाल कर चेक करेंगे, जैसे हमें देखते पता चल जाए कि इसके रूट्स ये होंगे। हाँ तो भाई डी निकालेंगे, उसी से पता चलेगा रूट्स पॉजिटिव हैं, डी से पता चल जाएगा कि डी कह डी से हमें पता, नेचर ऑफ रूट्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। यस सर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ओके, इसलिए पढ़ाया था, उसी से पता चल जाए कि रूट्स इमेजिनरी होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे, या रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, सारे पता चल जाएगा जी। ठीक है, यस सर। ये क्वेश्चन करें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द इक्वेशन p plus 2 into x square p plus 2 into p minus 1 into x square plus p minus 1 into 2p plus 1 into x plus p square minus 1 is equal to 0 has more than 2 roots. अब हम p plus 2 into p minus 1 को equal to 0 रख लेंगे। हाँ जी हाँ जी। Okay sir. हाँ जी हिमांशु, क्या प्रॉब्लम है? हरजोत, मुझे क्या प्रॉब्लम है? अभी आपने हैंड रेज किया ना, रह गया होगा। सर हो गया, हो गया जी। पी की क्या वैल्यू आई सर? पी की -2 गलत है, दूसरे से निकालना पड़ेगा।
क्या सर गलत है? एक सही है एक गलत है सर। दूसरी दूसरे से ना निकलती हो। हाँ जी देखिए कैसे करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा कि एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी हैज मोर देन टू रूट देन इट बिकम्स एन आइडेंटिटी। वो क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी हो जाएगा। कुछ भी वैल्यू पुट करे वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। यानी इफ एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हैज मोर देन टू रूट देन क्या होना चाहिए? ए इज इक्वल टू बी जीरो, बी इज इक्वल टू बी जीरो एंड सी इज इक्वल टू बी जीरो। तो देखिए पी प्लस टू इंटू पी माइनस वन इसको भी जीरो करेंगे, p माइनस वन इंटू टू पी प्लस वन इसको भी जीरो करेंगे एंड p स्क्वायर माइनस वन इसको भी जीरो करेंगे। देखिए नेक्स्ट पेज। ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि p माइनस वन p प्लस टू इंटू पी माइनस वन इक्वल टू जीरो बिकॉज मोर देन टू रूट है। तो यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी? p प्लस टू इक्वल टू जीरो एंड p माइनस वन इक्वल टू जीरो। यानी p इक्वल टू माइनस टू and p is equal to 1. Secondly, p minus 1 into 2p plus 1 is equal to 0. ये भी equal to p equal to 1 upon 2. ठीक है p is equal to minus 1. p is equal to minus 1 by 2. And देखिए p square minus 1 is equal to 0 ये भी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? p is equal to 1 and minus 1. अब देखिए हमारा क्या है कि a is equal to b 0 होना चाहिए, b is equal to b 0 है, c is equal to b 0 है। तीनों को हमने जीरो किया तो यहाँ पे कॉमन वैल्यू क्या है? p इक्वल टू वन, p इक्वल टू वन, p इक्वल टू वन। क्योंकि p इक्वल टू माइनस वन बाय टू पे ये जीरो हो, ये जीरो होगा बट ये नहीं जीरो होगा। देखिए जीरो हो रहा है क्या? नहीं जीरो हो रहा है ना, नहीं हो रहा हाफ पे ये जीरो नहीं हो रहा। हाँ जी तो ये कहाँ से, यानी ये भी जीरो होना चाहिए, बी जीरो होना, एक साथ जीरो होना चाहिए। बात आई समझ में? एक साथ तीनों को जीरो होना चाहिए, तीनों का रेट सबको सेटिस्फाई करने चाहिए। यस ठीक है। सो p इक्वल टू क्या हो गया? 1। p इक्वल टू क्या हो गया? यस सर। इसलिए ठीक है p इक्वल टू क्या हो गया? 1 वैल्यू है सर। अच्छा देखिए माइनस वन सर, अगर वन पुट करेंगे तो ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, लेकिन माइनस वन यहाँ पुट करेंगे ये जीरो नहीं होगा। ठीक है ये जीरो नहीं होगा, इसलिए सिर्फ p इक्वल टू वैल्यू ये आएगी। यानी ये अगर आप लेने पड़ेंगे तो सारे वैल्यू ले पड़ेंगे। a भी जीरो होना चाहिए, b भी जीरो होना चाहिए और c भी, एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। ठीक है तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू को आप ले सकते हैं। ये जितने भी वैल्यू आई ना, ए भी जीरो होना चाहिए, बी भी जीरो होना चाहिए। ठीक है तो सारी वैल्यू के लिए पी की जितनी वैल्यू होगी सिक्स्थ वैल्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है सारी वैल्यू को ले लीजिए, पी इज इक्वल टू माइनस टू, पी इज इक्वल टू वन, पी इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू। ठीक है p इज इक्वल टू माइनस वन, ये सारी वैल्यू आप ले सकते हो। ठीक है यानी a भी जीरो होना चाहिए, b भी जीरो होना चाहिए, c भी जीरो, ये सारी वैल्यू को लेंगे। ठीक है सर इसका रूट तो एक ही है। हाँ देख मोर देन टू रूट्स है ना भाई, इसके रूट तो बहुत हो सकते हैं, इसीलिए क्या होना चाहिए? तीनों टर्म को जीरो हो रहा है। ये मोर देन टू रूट्स है ना, एक रूट नहीं है इस क्वाड्रेटिक के। कितने रूट्स हैं? बहुत सारे हैं। बात समझ में आई? इस क्वाड्रेटिक के बहुत सारे रूट्स हैं। अगर देखिए इसको जीरो कर देंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? कुछ और वैल्यू मिल जाएगी। अगर ये टर्म जीरो कर देंगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ होगी। यानी ये भी जीरो है आपस में, ये भी जीरो है आपस में और ये भी जीरो है आपस में। बात आ रही समझ में? हेलो ये देखिए ये भी जीरो, ये भी जीरो है आपस में, ये भी जीरो के बराबर है, ये भी जीरो के बराबर है, ये भी बिल्कुल जीरो के बराबर है। ठीक है यानी जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो तब जाके जीरो, तभी मोर देन टू रूट्स मिलेंगे। ठीक है जी बात समझ में आई जी? हेलो बात समझ में आई? यस सर। करा हाँ जी इसको सेटिस्फाई तो एक ही कर रहा है ना?
एक सेट इससे एक, तो हमारा क्वाड्रेटिक हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोर देन कितने रूट चाहिए, टू, मोर देन कितने चाहिए, टू रूट चाहिए, टू, हमें दो से ज्यादा रूट चाहिए ना, तो क्या होगा, एक आइडेंटिटी होना पड़ेगा उसको, क्या होना पड़ेगा, एक आइडेंटिटी, ठीक है, उसे क्या होना पड़ेगा, एक आइडेंटिटी होना पड़ेगा, यानी a इजकल टू b इजकल टू, यानी ये वैल्यू हमारी होनी चाहिए कि a भी जीरो हो जाएगा, b भी जीरो हो जाए और c भी जीरो, ये तीनों को एक साथ जीरो कर देंगे, बात समझ में आई सर? हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें जी? यस सर, और इससे जो वैल्यू आएगी सारी, नो सर, ठीक है, कोई दिक्कत जी इसमें? ओके सर, नो सर, कुछ और, अब देखिए एक टॉपिक पढ़ते हैं, कॉमन रूट, कंडीशन फॉर कॉमन रूट, अगर एक रूट कॉमन होगा तो फिर क्या कंडीशन होगा, ठीक है, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, लेट अल्फा ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू जीरो हैव ए कॉमन रूट, ए कॉमन रूट, ठीक है, तो कॉमन रूट है उसको हमने क्या मान लिया, अल्फा, ठीक है, उसको हमने क्या मान लिया, अल्फा, एक कॉमन रूट क्या है, अल्फा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी, सिंस अल्फा इज द कॉमन रूट, कॉमन रूट, सो इट विल सेटिस्फाइड बोथ रूट्स, सॉरी बोथ इक्वेशन, बोथ इक्वेशन, हेंस ए वन अल्फा स्क्वायर प्लस बी वन अल्फा प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ठीक है जी, ऐसा हो जाएगा, एंड ए टू अल्फा स्क्वायर प्लस बी टू अल्फा प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाइड करेगा, अल्फा एक कॉमन रूट है जो इसका भी रूट है और इसका भी रूट है, तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने सॉल्व किया है कभी यहाँ पे? यस सर, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2, 3, 1, 2, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी वन सी वन बी टू सी टू इक्वल टू अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए सी वन सी टू ए वन ए टू ठीक है इक्वल टू वन अपॉन ये देखिए हम जब अल्फा स्क्वायर को लेंगे तो बी वन सी वन बी टू सी टू अल्फा को लिए तो सी वन सी टू ऐसा हो गया ठीक है जी और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देखिए ए वन ए वन बी वन ए टू बी टू यहाँ तक किसी को दिक्कत जी ऐसे लिखने में किसी को दिक्कत है ठीक है नो सर ठीक है तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं तो अल्फा स्क्वायर ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाइड करेंगे बी वन सर पैक करो सर एक बार हेलो ठीक है हाँ जी बोलो सर ये ट्रिक का क्या नेम था सर बताना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ आपने नो सर ये आगे कैसे किया ठीक है अब देखिए यहाँ पे हम इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे ठीक है ऐसे करेंगे ये देखिए b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू अल्फा इक्वल टू यहाँ पे देखिए
हमने इससे मल्टीप्लाइड किया और इससे मल्टीप्लाई, बी वन को सी टू से, बी टू को सी वन को, बीच में माइनस नहीं लगा। सी वन ए टू, ये देखिए सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन, सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन, वन अपॉन, यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, ए वन बी टू ए टू बी वन, ए वन बी टू और B1 A2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को एक साथ रखेंगे, इन दोनों को एक साथ रखेंगे, तो इन दोनों को एक साथ रखेंगे, ये देखिए अल्फा स्क्वायर अपॉन B1 C2 माइनस C1 B2 इक्वल टू हो जाएगा अल्फा वन C1 A2 माइनस C2 A1, यहाँ से एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू वैल्यू आ गई B1 C2 C1 B2 अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1, यहाँ से अल्फा की एक वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को एक साथ रखेंगे, अल्फा अपॉन सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इक्वल टू वन अपॉन ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन अपॉन ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू, ठीक है जी, ये आ गई। अब ये दोनों अल्फा आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो हम इक्वल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, B1 C2 माइनस C1 B2 अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा इसे ऐसे लिखते, तो देखिए इसमें इससे मल्टीप्लाइड होगा, इसमें इससे मल्टीप्लाइड, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, रिक्वायर्ड हो जाएगा कि B1 C2 माइनस C1 B2 इंटू A1 B2 माइनस B1 A2 इक्वल टू, ये देखिए C1 A2 माइनस C2 A1, यही चीज यहाँ पे भी है C1 A2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर वन कॉमा रूट। सर ये याद करनी है सर? नहीं जी याद नहीं करनी है, क्या याद करना है मैं बताता हूँ, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन वन कॉमा रूट, ठीक है। देखिए इसमें याद क्या करना है, क्योंकि ये याद हमेशा रखेंगे नहीं, ए वन सी टू आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो सबसे बेस्ट तरीका है आपको जब भी आपको बोला जाए कि वन रूट कॉमन है तो हम क्या लिखेंगे, ये वाली चीज लिखेंगे, दोनों को सेटिस्फाइड करेंगे और ये ब्राइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मैंने लिखा है ये अप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। टू थ्री वन टू ऐसे सर, ये देखो उसको अगर आप याद किए पहले याद कर लो, अगर याद करने की जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे लिखो अल्फा एस पर लिखो, इसको ढक दो। नहीं सर, वैसे ही लिखा मुझे जा था पहले, अब भूल गया। ठीक है, तो B1 C1 B2 C, हाँ जी सर, ये पता कैसे बोल रहा है, टू पहले B1 B2 आएगा, हाँ जी, तो इसको C1, पहले C1. पहले इसे आप ढक दो, अल्फा स्क्वायर लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर दोनों को ये ढक दो हाथ से लिखते, बचा क्या B1 C1 B2 C2, तो यहाँ पे B1 C1 B2 C2 ऐसे लिख दो, राइट। उसके बाद अब बीच वाले लिखे, इसके बाद बी के बाद क्या आता है, सी, देखो एक साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, ए से बी, बी से सी और सी से ए, ठीक है, ये जो साइक्लिक ऑर्डर होता है इसी ऑर्डर में चल रहे हैं ना जी, ठीक है। आप बुक में देखोगे यहाँ माइनस दिया होगा फिर आपको सटी, तो हम एकदम साइक्लिक ऑर्डर वाला वो तरीका बता रहे हैं जो हमेशा सही रहेगा, किसी कहीं भी अप्लाई करेंगे साइक्लिक ऑर्डर वाला। तो देखिए ये अल्फा स्क्वायर लिख लिया, फिर ये अल्फा लिया, अल्फा को ढक दिया, क्या बचेगा राइट साइड में सी वन, क्योंकि ए के बाद बी, बी के बाद सी आता है, तो सी वन सी टू ए वन ए टू, सी के बाद क्या आएगा ये, फिर इसको ढक दिया, क्या बच गया ए वन बी वन, सी के बाद क्या आता है ए वन बी वन ए टू बी टू और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जी। तो यही चीज इतना समझ में रखनी है, बाद बाकी ये अपने आप हो जाएंगे, ठीक है जी। okay, सर एक क्वेश्चन कर ले इस पे, कल को कर लेंगे सर, छोटा क्वेश्चन है कर लेते हैं सर, ठीक है।
ठीक है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 3x² + 4kx + 2 = 0 and 2x² + 3x - 2 = 0 have a common root. Have a common root. अनमोल प्रीत आप बीच में कल अब्सेंट थे, ओके जी। हाँ जी देखे जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस 3x² + 4kx + 2 = 0 and 2x² + 3x - 2 = 0. हाँ जी हुआ सॉल्व? 2 मिनट दे दो बस, होने वाला है। ओके जी, हाँ जी हो गया सॉल्व। लेट अल्फा बी द कॉमन रूट ऑफ बोथ इक्वेशन। देखिए यहां पे क्या होगा, 3α² + 4k α + 2 = 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2α² + 3α - 2 = 0। ठीक है, अब देखिए अल्फा स्क्वायर हमने यहाँ पे पुट रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k² × 3 - 2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा पुट किया तो 2 - 2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 2। 1 = क्या होगा, 3 × 2 × 4k × 3। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 4k - 8k, तो -8k - 6 = अल्फा = क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना, ये माइनस प्लस कर दे और यहाँ पे -8k जाना है और -8k ऐसा हो जाएगा। अब इस दोनों के एक साथ रखिए तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8k - 6/10 और यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/9 - 8k,
इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं जी, माइनस एट के माइनस सिक्स अपॉन टेन इज इक्वल टू टेन अपॉन नाइन माइनस एट के। कोई दिक्कत जी यहाँ तक किसी को? नो सर। क्या सर आपने क्या बैक करना सर? देखो जी सर, टेन कहाँ से आ गया? क्या कौन सा सर, टेन कहाँ से आ गया? ये फोर प्लस एक क्या होता है ना? दो दूना चार, टू थ्री सिक्स, माइनस सिक्स माइनस क्या हो जाएगा? प्लस सिक्स हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे माइनस, ओके सर, यहाँ पे माइनस और फिर एक और माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें इसको छोटा और भी कर सकते हैं, जैसे टेन है तो यहाँ देखिए ये फाइव कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? फोर। टेन कट नहीं हो जाएगा सर? ठीक है, ये क्या हो जाएगा? माइनस फोर के माइनस थ्री इंटू नाइन माइनस एट के और फाइव टेन जाइए फिफ्टी हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर नाइन या थर्टी सिक्स के और ये क्या होगा? थर्टी टू के स्क्वायर और फिर क्या होगा? ट्वेंटी सेवन, फिर क्या हो जाएगा? ट्वेंटी फोर के इक्वल टू फिफ्टी। तो देखिए थर्टी टू के स्क्वायर, थर्टी सिक्स के और ट्वेंटी फोर क्या हो जाएगा? माइनस ट्वेल्व के। माइनस ट्वेंटी सेवन और प्लस फिफ्टी तो इधर आएगा तो कितना आ जाएगा जी? हाँ जी, ये 23 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या जी इसमें? देख लीजिए ध्यान से। नो सर, आगे तो सॉल्व कर लेंगे सर। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, k की जो वैल्यू आएगी वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। यस सर। ठीक है जी। यस सर। यस सर, वी कैन प्रोसीड कर जाएं लीव सर। हाँ जी, योर सेल्फ पीडीएफ शेयर कर देना व्हाइट बोर्ड की। हाँ जी, हाँ जी, कौन बोल रहे हो जी? दसो जी नाम। अर्शदीप सर। अर्शदीप, ओके जी, थैंक यू।